श्री युगल बिहारी परिकर एक नाम और एक संस्थान। संस्थान का यह रजत जयंती वर्ष है। अन्य संस्थान अपनी कार्यशैली में, अपनी क्रियाओं में विभिन्न रूपों का प्रतिपादन करते हैं, किंतु युगल बिहारी परिकर संस्थान ये पारब्रह्म परमेश्वर जिन्हें हम और आप पूर्ण ब्रह्म 16 कलाओं के अवतार वाले प्रभु के नाम से जानते हैं, उन्हीं की आद्योपांत लीलाओं का वर्णन, उनको उनके कृत्यों का गुंजन इसी विधा में समस्त भारतवासी ही नहीं बल्कि विश्व के हर अंचल में जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनमें ये रसधारा प्रवाहित करता आ रहा है। संस्थान निर्धारित समय हो चुका है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं सबसे पहले सूचना दे दूं, अन्यथा कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद सूचनाएं रह जाती हैं। आवश्यक सूचना है, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, संख्या कम है, धीरे धीरे बढ़ेगी। नित्य प्रति मैं कहूंगा, आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जहां भगवान का गुणगान होता है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों अपने आप खींची चली आती है, दोनों बहने हैं श्रद्धा और भक्ति। तो श्रद्धा और भक्ति के रूप में हम और आप सभी भक्तजन कुछ न कुछ समर्पण करते हैं। यह मंच एक अलग है, इसके बारे में आपको सूचना दे रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी भक्त यहां आएंगे, व्यास पीठ है, आप ध्यान कर लें कि इस व्यास पीठ पर विराजमान है स्वयं प्रथम प्रवक्ता श्रीमद् भागवत के श्री सुखदेव जी महाराज। श्रीमद् भागवत के प्रथम प्रवक्ता ये स्वयं विराजमान हैं व्यासपीठ पर, आप विशेष ध्यान देंगे। बगल में व्यासपीठ की छाया के नीचे एक शालीन महिला, कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अभी यही कहूंगा, बाद में क्या कहना है वो जो भी कहना है, लेकिन अभी एक शालीन महिला विराजमान है। कहीं आप ये भ्रम मन में न डाल लें कि व्यास पीठ वह है वहां हम अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप आएंगे तो श्रद्धा और भक्ति के समर्पण के लिए एक पात्र हमने रखा है यहां, यही समर्पित करेंगे। एक भी पैसा या कोई भी वस्तु इस जगह पर आपके द्वारा समर्पित नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। दूसरी सूचना, हमारे ये भाई जो इस चीज को बड़े लंबे समय तक के लिए हमारे आपके बीच में रखने वाले हैं शूटिंग के, इनकी तरफ से यह है कि यदि आप किसी को मंच के आसपास आना हो तो कृपया थोड़ा सा झुक कर जाएंगे, क्योंकि मुख्य आकर्षण
मंच का, व्यासपीठ का उसमें व्यवधान न पड़े। आरती के लिए क्रमबद्ध होकर आप आएंगे, आरती करेंगे, ये आपसे प्रार्थना है। इन्होंने ऐसा कहा कि और जगहों पर हम देखते हैं भीड़ होती है, इसलिए क्रमबद्ध आप आरती करेंगे, आप सभी इनके यंत्र में बंद हो जाएंगे। एक सूचना और जो प्रायः आप सभी के हाथ में या जेब में है, आपका दूरध्वनि यंत्र यानी मोबाइल, जिस समय यहां भक्ति की धारा प्रवाहित होने लगेगी, कृपया अपने यंत्र को शांत कर देंगे। ये सूचनाएं इनसे संबंधित आज कह रहा हूं, और बाकी नित्य ही मैं व्यासपीठ पर श्रद्धा भक्ति अर्चन के लिए आपसे वंदन करता रहूंगा, क्योंकि कहीं भूल से यदि कोई भक्त उधर अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करता है तो गुनाहगार मैं समझा जाऊंगा, इसलिए प्रार्थना मैं बार बार करूंगा। अब आए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए। सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है, पूर्व निर्धारित अनंत काल से परंपरा है कि हमारा कोई भी आयोजन होता है तो सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन की प्रथा मात्र इसलिए है कि आज ये चकाचौंध दिखाई पड़ रहा है बाह्य, जब से हमारी परंपरा रही है उस समय मात्र दीप हुआ करता था प्रकाश देने के लिए, इसलिए दीप प्रज्वलन की विधा के लिए मैं स्वनाम धन्य श्रीमंतों का नामोच्चार कर रहा हूं। कृपया वे आएंगे क्रमशः, ये दीपदान है, दीप है, यहाँ व्यवस्था है, दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। इस विधा में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम महामहिम प्रकांड विद्वान परम पूज्य श्री दिवाकर जी महाराज द्विवेदी जी, परम श्रद्धे श्री द्विवेदी जी महाराज। दूसरा नाम है श्री प्रबुद्ध समाज सेवी एवं धर्म प्राण श्री रामनिवास जी धूत। तीसरा स्वनाम धन्य संस्कृति एवं कला मर्मज्ञ प्रदीर्घ विदुषी श्रीमती राजकुमारी जी धूत। चौथा संत मना समाज शिरोमणि श्री मदन लाल जी डालमिया। पांचवा हमारे श्री भीष्म पितामह श्री स्वरूप चंद जी गोयल और संस्थान के प्राण धीर एवं गंभीर श्री देश बंधु जी कागजी। परम श्रद्धेय श्री दिवाकर जी, दिवाकर प्रसाद द्विवेदी जी, कितनी शालीनता है, कितनी सादगी है, प्रकांड विद्वान पधारे हैं आप वृंदावन धाम से, जो लीला स्थली है परम पिता परमेश्वर की। श्रीमती राजकुमारी जी धूत, समाज शिरोमणि, समाज के हर अंचल में पहचान रखने वाली, कोई भी विधा होती है बंबई में मैं देखता हूं वहां उपस्थिति होती है, ऐसी अपनी समाज सेविका परमादरणीय श्रीमती सुमन जी जैन, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आए दीप प्रज्वलन की विधा में।
श्रीमती सुमन जैन, निशा सुमन जैन, निशा क्षमा कीजिए, सुमन बाबू वहां बैठे हैं, सुमन बाबू वहां बैठे हैं, निशा बहन है, निशा निशा और सुमन, ये व्याख्या है, पुष्प खिलता है रात्रि में, जब रात्रि होती है तब फूल खिलता है, यही द्वय हैं निशा और सुमन। दीप प्रज्वलन प्रक्रिया के पश्चात मंचासीन व्यवस्था, ये व्यास पीठ है, आपको निवेदन कर चुका हूं, व्यास पीठ पर प्रथम प्रवक्ता श्रीमद् भागवत का, मंच के लिए जो सत्कार मूर्ति के रूप में हमारे और आपके बीच में निरंतर एक सप्ताह तक यहाँ होंगी, मैं आदर से, श्रद्धा से, सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ परमादरणीय श्रीमती राजकुमारी जी धूत। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर आ पाए, मंच संबोधित कर रहा हूं, व्यास पीठ नहीं, कृपया आ पाए। एक बार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें अपने सत्कार मूर्ति के लिए। व्यासपीठ की पूर्णता हो गई, मंच भी पूर्ण हो गया, श्रीमद् भागवत के प्रथम प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज और श्रीमद् भागवत का रसोत्पादन कराने वाली श्रीमद् भागवत की एक गायिका कहूं, इनके बारे में अगर शब्द कह दूं, जिनमें एक पागलपन है, एक दीवानगी है, जब भी हमें मौका मिला है इनके सानिध्य में आने का, ये नहीं छोड़ूंगा, क्या क्या शब्द मिलते हैं, इतस्ततः के नहीं, मात्र श्रीमद् भागवत और नारी, दो विषय, मात्र दो विषय, या तो इनके मुखारविंद से निकलेगा 99% श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण राधे श्री, 1% अगर बचा रहता है तो कहती है नारी के बारे में। बहुत बार सानिध्य मिला है, तीसरा प्रसंग इनके श्रीमुख से हमने नहीं सुना है, ऐसी एक प्रखर प्रवक्ता संबोधित करूंगा मैं यहाँ, हमारे आपके बीच यहाँ मंचासीन हो गई हैं। इस विधा के पश्चात स्वागत समारंभ, ये हमारी परंपरा है, हम जिसे बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं, करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति में ही है, ये अन्यत्र शायद नहीं देखने को मिलता। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम महामना श्री देश बंधु जी कागजी से प्रार्थना कर रहा हूं, मूर्धन्य विद्वान, सरलता एवं सादगी के प्रतीक गुरुदेव श्री दिवाकर प्रसाद जी द्विवेदी का सम्मान, एक उपरणा उनके हाथ में है, एक उपरणा पुष्प हार, हे सुमन, आपको नहीं कह रहा हूं सुमन बाबू, हे सुमन मुरझा न जाना क्योंकि तुझ में प्यार मेरा, ये प्यार से गुथा हुआ सुमन उनके द्वारा समर्पित। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शारदा बेन जी कागजी, आपसे प्रार्थना है कि आप आए, मंच पर आपको चढ़ना होगा, सत्कार मूर्ति परमादरणीया
श्रीमती राजकुमारी जी धूत हमारी सत्कार मूर्ति हैं, उन्हें पुष्प गुच्छ समर्पित कर स्वागत विभाग श्री आदित्य बाबूजी धूत आपसे प्रार्थना है कि परम आदरणीय स्वनाम धन्य श्री मदन लाल जी डालमिया का सम्मान करेंगे। श्री आदित्य बाबू धूत ये पुष्प हार और उपरना श्री अजय बाबूजी धूत आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमने भीष्म पितामह संबोधित किया, हमारा नहीं संबोधन है, परम पूज्य बापू द्वारा सम्मानित है, भीष्म पितामह की उपाधि ने प्रदान की गई है। श्री स्वरूप चंद जी गोयल हार एवं उपरना बहन पुष्पा देवी अग्रवाल आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर आए और परम श्रद्धेया को उपरना समर्पित कर भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाएं। श्रीकांता जी धूत बहन श्रीकांता जी धूत परमादरणीय का सम्मान करेंगी। अब मैं स्वागत की अंतिम विधा में कुछ फटकार तो सुनूंगा लेकिन करूंगा अवश्य, सुन लूंगा फटकार। श्री देश बंधु जी कागजी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आए और हम सबके चहेते धर्म प्राण श्री राम निवास जी धूत, मैं जानता हूं हमें फटकार मिलेगी, हमें फटकार मिलेगी कह करके मैं करतल धन से स्वागत है। श्री देश बंधु जी कागजी जी, श्री देश बंधु जी कागजी आपसे प्रार्थना है कि श्रीमती सुमन जी जैन परमादरणीय श्रीमती सुमन जी जैन श्री सुमन जी, अच्छा सुमन बाबू का आपके बगल में ही है, उनका सम्मान आप करेंगे। श्री सतीश जी माहेश्वरी, श्री सतीश जी माहेश्वरी आपसे प्रार्थना है कि आप सबका स्वागत करने वाले यानी श्री देश बंधु जी कागजी, आपने सबका स्वागत किया, यदि हम आपका स्वागत नहीं करेंगे तो श्री देश बंधु जी कागजी का सम्मान उपरना एवं हार समर्पित कर किया जा रहा है, परिकर के प्राण हैं। अब मैं परमादरणीय श्री देवेंद्र जी अग्रवाल,
श्री देवेंद्र जी अग्रवाल साहब, हाँ आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आए। परिचय की विधा है हमारी, चतुर्थ पंचम विधा परिचय। परिचय की विधा में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने अनन्य साथी परम आदरणीय श्री देवेंद्र जी अग्रवाल का। आप परिचय देंगे। साधु मना श्री गुरुदेव एवं सत्कार मूर्ति राजू बहन जी धूत। युगल परिसर, युगल परिकर, इनका ये तीनों का परिचय परम आदरणीय श्री अग्रवाल साहब के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ें। वाद्य वृंद, जब ये नहीं सम्मानित होगा तो इसमें झंकार नहीं आएगी। मैं श्री देवेंद्र जी अग्रवाल से प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी वाद्य है सबके प्रणीताओं का स्वागत करें ऊपर ना देकर। पंडित श्री भूदेव वृंद बैठे हैं हमारे बीच, मैं सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच श्री मधुसूदन जी गर्ग साहब कहीं होंगे, नहीं आए, वो छिपे रहते हैं काम में तनलीन, लेकिन इस विधा से दूर। शायद उनको मालूम होगा कि हमारा नाम लिया जाएगा, इसलिए नहीं आए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत कर रहा हूं संस्थान की तरफ से। वृंद, वाद्य वृंद का स्वागत। अब आए परम आदरणीय श्री अग्रवाल साहब, हमारे त्रिमूर्ति गुरुदेव, आदरणीय राजकुमारी जी धूत एवं संस्थान युगल परिकर, इनके परिचय। आदरणीय श्रीमती राजकुमारी जी धूत, पंडित दिवाकर प्रसाद जी द्विवेदी, आदरणीय श्री स्वरूप चंद जी गोयल, अन्य उपस्थित आमंत्रित वरिष्ठ मेहमानों, देवियों और सज्जनों, ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि युगल परिकर की जो व्यवधान के लिए क्षमा, जो गतिविधियां हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं और फिर श्रीमती राजकुमारी जी और पंडित दिवे जी के बारे में भी थोड़ा कुछ बताऊं, तो इन तीनों को मिक्स करके ये परिचय श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। युगल परिकर को स्थापित हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं और ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है किसी भी एक संस्थान के लिए कि 25 वर्ष तक लगातार वो एक दिशा में काम करता रहे। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और श्रीमती दूत से हमने विशेष निवेदन किया था, जो कि श्री जुगल बिहारी परिकर के प्राण हैं, कि आप इस वक्त इस समय मुंबई में ये श्रीमद् भागवत का कथा का क्रम बनाएं और जिससे जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके। हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने ये मंजूर किया और यहाँ आकर इस कथा का कार्यक्रम करना नक्की किया। पिछले गत 25 वर्षों से लगातार श्री जुगल परिकर में 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हैं। पहला काम तो है पाटोत्सव का, जिसमें ठाकुर जी के विवाह की जयंती रहती है। दूसरा गोकुलाष्टमी है, राधाष्टमी है और फूर बंगला है। ये चारों कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हर वक्त और हर साल आयोजन किए जाते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं और फिर हर बुधवार को सब सदस्यों की एक मीटिंग श्रीमती धूत के घर पे होती है, कभी किसी और के यहाँ भी होती है। उसमें धर्म और संस्कृति, इसको कैसे बढ़ावा मिले, उसका जीवन में अनुसरण कैसे कर सकें, उस बात पे विचार विमर्श होता है।
तो ये कार्यक्रम इतने वर्षों से लगातार चल रहा है, जिसके लिए हम श्रीमती राजकुमारी जी के प्रति कृतज्ञता करते हैं, बखान करते हैं। आज से 28 वर्ष पहले श्री राजकुमार जी दूत और श्रीमती राजकुमारी जी ने ठाकुर जी का विवाह एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और वो कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर हुआ, उसके बाद वैसा दूसरा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। ये भी एक संस्थान के स्टार्ट करने के पहले की विधा है, और इसके पश्चात लगातार 6 वर्षों तक श्री रामसुखदास जी के सानिध्य में और रामचरित मानस के नवाब पारायण का हमेशा पाठ होता रहा, और ये क्रम 6 वर्ष चला। सन 1977 में श्री डोंगरे जी महाराज के सानिध्य में श्रीमती धूत ने श्रीमद् भागवत की कथा पहली बार सुनी, और वो कथा सुनने के बाद इतना रस आया कि वो भागवतमयी हो गई। उतने साल से 77 के बाद से इनके मन में ख्याल आया कि ये जो कथा का लाभ है, ये लाभ जन सामान्य को मिलना चाहिए, और उस लाभ को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ही जुगल परिकर की स्थापना की गई, और वो जुगल परिकर की स्थापना को आज 25 वर्ष हो गए हैं, और ये क्रम वैसे ही चल रहा है। इसके पश्चात जुगल परिकर के अन्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं, जिसके बारे में भी विस्तार से बताना ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए कि पूज्य बाई यानी श्रीमती राजकुमारी जी धूत जब से इस संस्था से जुड़ी है, तब से इस संस्था की निरंतर प्रगति भी हो रही है, सेवा भाव भी हो रहा है, धर्म का प्रसार भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारी जो संस्कृति है उसका पालन हो रहा है। अब इन कार्यक्रमों में सत्संग भी होता है और सत्संग भी होता है, संत का संग भी होता है। तो मानस कह रहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो सत्संग की परिपाटी है, ये बिना राम कृपा के नहीं हो सकती है, और उसी कृपा के तहत आज का भी ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसका हम सबको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो संत का संग है, वो भी एक विधा है भक्ति की, और परम श्रद्धेय श्री दिवाकर जी द्विवेदी यहाँ मौजूद हैं, और बहुत ही अच्छे संत हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो, उसकी भावना शुद्ध हो, ये सब होता रहता है। मानस में भी एक भक्ति का प्रकार है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आज मौका मिला है एक संत के संग का, तो ये भक्ति का प्रथम सोमवार हम सब अचीव कर रहे हैं, हम सब प्राप्त कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत के हिसाब से भी श्रवणम मंदो की, ये जो श्रवण है ये सबसे प्रथम भक्ति है, और वो श्रवण हम श्रीमती राजकुमारी दूत जी के जरिए आज करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों शास्त्रों की दृष्टि से भी भक्ति का प्रथम सोपान हम अटेंड करने जा रहे हैं, एक सुनने का, श्रवण का, और दूसरा संत के संग का। तो दोनों एक साथ मौजूद हैं, और आप सबको इसका लाभ मिले, यही इच्छा है। इसके पश्चात आपको ये जानकर खुशी होगी कि सारा कार्यक्रम एक नारी शक्ति ने, इनके जो नारी गण हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं, इन सब ने मिलकर किया है, और सबने अपना अपना बहुमूल्य समय योगदान देकर इसको सफल बनाने की चेष्टा की है। तो हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम बम्बई में आयोजित किया, और आयोजित करके हम सबको आमंत्रित भी किया, और आमंत्रित करके सुनने का मौका दिया। अब अंतिम में आपको एक बात और बता दूं, जो शायद इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, और वो है कि श्रीमती धूत एक बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। इन्होंने कविता का एक संग्रह लिखा, सुनाया और प्रकाशित भी किया। प्रेम की प्यास के नाम से इनका एक संग्रह कुछ वर्ष पहले आया था। यदि आपने नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो, और इच्छा हो तो कभी भी आप श्री राजकुमारी जी से संपर्क करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम की प्यास, आप समझ गए, नाम इट्सेल्फ बहुत क्लियर है, और प्रेम की जो शक्ति है, ताकत है, वो एक चौपाई में आ जाती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम में तो इतनी ताकत है कि वो
किसी को भगवान को भी प्रकट कर देता है, और वो ताकत यदि अपने मनुष्य के जीवन में हो और हमारे मन में सबके प्रति प्रेम हो, ईश्वर के प्रति हो और ईश्वर के जो बनाए हुए गण हैं, कोई भी जीव है उसके प्रति यदि प्रेम हो, तो हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम हो और दृढ़ प्रेम हो, तो वो प्रेम ईश्वर के प्रति ही प्रेम है ऐसा मानकर, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव में ईश्वर विद्यमान है, और जिस जीव की हम सेवा करते हैं, जिस जीव की प्रशंसा करते हैं, जिसके साथ हम प्रेम से व्यवहार करते हैं, वो सब जीव जो है वो ईश्वर की कृपा ही है, एक तरह से ईश्वर की ही सेवा है। इसी बात को कहने के लिए एक कवि नीरज ने एक 50 साल पहले एक गीत मैंने सुना था, वो गीत आपको सुना रहा हूँ। वो छोटा सा है, 4-6 लाइन का गीत तो बड़ा है, पर मैं एक स्टेंजा सुनाऊँगा, और उसमें ये है कि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, प्रेम जीवन में होना चाहिए, और प्रेम जो है प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मानव से करे, अपने आप ईश्वर के प्रति प्रेम उसका हो जाएगा। सूनी सूनी जिंदगी की राह है, भटकी भटकी हर नजर निगाह है, राह को संवार दो, निगाह को निखार दो, आदमी हो तुम की उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। सूनी सूनी जिंदगी की राह है, एक चांद के बगैर सारी रात शाह है, काली, एक चांद के बगैर सारी रात शाह है, एक फूल के बिना चमन सभी तबाह है, जिंदगी तो खुद ही एक आह है, कराह है, प्यार भी जो ना मिले तो जीना फिर गुनाह है। एक चांद के बगैर सारी रात शाह है, एक फूल के बिना चमन सभी तबाह है, जिंदगी तो खुद ही एक आह है, कराह है, प्यार भी जो ना मिले तो जीना फिर गुनाह है। धूल से पवित्र नेत्र नीर से, प्राणियों के दर्द दाह पीर से, जो घृणा करे उसे बिसार दो, प्यार करे उस पे दिल निसार दो, आदमी हो तुम की उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। सूनी सूनी जिंदगी की राह। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, आप जाए नहीं, अभी यहीं स्थानापन्न रहे एक मिनट के लिए। मैं श्री सतीश जी माहेश्वरी साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आए हमारे साथ, यहाँ खड़े श्री देवेंद्र जी अग्रवाल साहब को उपहार प्रदान कर सम्मान, और एक हार करतल ढंग से आप स्वागत करें। अब क्षमा कीजिए, व्यवधान के लिए एक परिचय और मुझे करना है, और वो है श्री दिवाकर प्रसाद जी द्विवेदी का। नाम दिवाकर प्रसाद जी आप समझ गए, सूर्य के समान तेजस्वी, और सूर्य का परिचय देना यानी दीपक दिखाने के बराबर है, पर फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि इतने मूर्धन्य विद्वान वृंदावन से यहाँ पर आ गए हमारे रिक्वेस्ट पर, और उन्होंने यहाँ आकर हमें दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है। इनका जो ज्ञान है वो इतना गूढ़ है, और इतने कठिन विषय पर कहीं कहीं वो ज्ञान गूढ़ होते हुए भी एक विशेषता है कि सहजता और सरलता से आपके सामने उसको रख दें। कोई चीज़ कठिन होते हुए भी यदि उसको सहज बना के बताई जाए तो वो इतनी कठिन अपने आप में नहीं लगती है, तो ये इनकी एक विशेषता है। और एक जो कहावत है, गागर में सागर भरने वाली, वो कहागत पूरी तरह से ये चरितार्थ करते हैं। बोलते कम हैं, छोटा बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन बहुत मतलब का बोलते हैं, बहुत उसमें तत्व भरा रहता है। भागवत रस के अंदर तत्व की प्रधानता है कहानी के अलावा, तो जो तत्व आपको इनसे मिलेगा वो तत्व बिल्कुल आपके जीवन में अनुसरण करने योग्य रहेगा। एक्चुअली विवेक को परिमार्जित करने के लिए
विवेक को सुरक्षित रखने के लिए, जो आप यहाँ सुन रहे हैं उसको बचाने के लिए चार शब्दों का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। चारों शब्द अ से प्रारंभ होते हैं। पहला शब्द है अध्ययन। कंटिन्यूसली पंडित जी अध्ययन में रत रहते हैं, ऐसे ही श्रीमती धूत भी, अध्ययन तो इनका चालू ही रहता है। चाहे कोई भी विषय, कोई नई किताब, कोई नए साहित्य, कोई जानकारी हुई तो उसको पढ़ना और उसको समझना। दूसरा शब्द है जो ऐसे प्रारंभ होता है, वो है अध्यापन। यानी अध्ययन के बाद दूसरे को उसका फ़ायदा मिले इस दृष्टिकोण से उसको बताते रहना समय समय पर, ये क्रिया भी इनके द्वारा हमेशा चालू रहती है। तीसरा जो शब्द है वो है अभ्यास। और जो जो इनके मन में है उसका ये अभ्यास जब बोलने की क्रिया से या इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होकर वो एक मजबूती मन को देता है, और जो बात मन में है गूढ़ता से वो अपने आप में दृढ़ हो जाती है। और लास्ट जो है वो है अनुसरण। जीवन में जितना जो कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है, उसका अनुसरण हो जाए तो उसके बराबर कोई चीज़ हो नहीं सकती। अनुसरण गृहस्थी जीवन में रह के करना ये और भी डिफ़िकल्ट है। तो इस दृष्टि से यदि देखें तो गृहस्थी का पूर्ण रूप से संचालन करते हुए भी और श्रीमती धूत जी ने आध्यात्मिक जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, इसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो इन दोनों महानुभावों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। आशीर्वचन, आशीर्वचन की विधा में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सूर्य को। माननीय अग्रवाल साहब ने कहा दिवाकर, दिवा यानी दिन, कर यानी करने वाला, दिन करने वाला सूर्य होता है। मैं परम आदरणीय श्री गुरुदेव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप आए विद्वत्ता के प्रति। परम श्रद्धेय गुरुदेव के मुखारविंद से संस्थान के लिए आशीर्वचन। यंत्र अभी तक सम्मुख नहीं आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, वही यह हुआ है, यह वही है। आओ ऐसे परमात्मा को प्रणाम करें। ज्ञान का आनंद, भक्ति का आनंद, कर्म का आनंद उसी को मिलता है जो उस रास्ते पर चलता है। ज्ञान वह क्या ज्ञान है जहाँ एक बाल भी हिल जाए, और भक्ति वो क्या भक्ति है जहाँ पर अंग अंग नाच न उठे, और वह सत्कर्म क्या सत्कर्म है जहाँ पर ज्ञान और भाव दोनों खड़े न हो जाए, प्रकट न हो जाए। परमात्मा पर विश्वास करो लेकिन भरोसा मत करो, क्योंकि परमात्मा इतना अच्छा है, इतना न्यायप्रिय है, इतना करुणा करता है, इतनी कृपा करता है कि उस पर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। विश्वास में रंच मात्र भी कमी नहीं आवे, ईश्वर पर पूरा विश्वास करो। लेकिन भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे मन का ही करेगा। अगर भरोसा करोगे कि हमारे मन का हो तो आपकी यात्रा जहाँ पहुँची है उसे पीछे हो जाएगी। अगर परमात्मा के विश्वास पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको बल मिलेगा, भरोसा मिलेगा गुप्त रूप से। लेकिन अगर भरोसा करके ये चाहें कि मेरे मन का फैसला हो तो परमात्मा के यहाँ यही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। अभी हमको अजय बाबू ने एक शेर सुनाया, बहुत अच्छा लगा। भाव में कह देता हूँ, याद मुझे नहीं है, लेकिन भाव उसका यही है, कितना भी पैसा जुड़ा के इकट्ठा कर लो लेकिन हाँ बोल दीजिए जरा। नहीं नहीं बैठे बैठे
तिजोरियां भरते रहे लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते रहते हैं लोग उम्र भर के लिए, मगर अफसोस मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। इतना बढ़िया है, दुनिया रिश्वत लेती है लेकिन मौत रिश्वत नहीं लेती। और इसका एक दूसरा पहलू मैं रख रहा हूँ, मुझको नहीं जरूरत है किसी के प्यार की, अपनी गांठ की तो मौत भी हजार गुनी बेहतर है, किस काम की है जिंदगी उधार की। अगर हम किसी की नकल करके चल रहे हैं, अगर हमने अपने स्व का विकास नहीं किया है, अपने व्यक्तित्व का परिचय नहीं दिया है, अपने व्यक्तित्व की सुगंध से वंचित रखा है, तो किस काम का नकल लिया हुआ जिंदगी किस काम का। अपनी हो तो मौत भी हजार गुनी बेहतर है, अपनी होनी चाहिए। परमात्मा ने आपको अपने रूप में क्यों बनाया, परमात्मा ने जगत की सृष्टि क्यों की, परमात्मा ने दुनिया में मृत्यु का और दुख का जाल क्यों बिछा दिया, परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए जीवों को क्यों फंसा दिया। जीव संसार में आकर के इतना कष्ट में है, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, समस्याओं से भरा हुआ है, समस्याएं समस्याएं समस्याएं, दुख दुख दुख, सुख का अभाव सुख का अभाव, लाख चाहो सुख चला जाएगा और लाख मना करो दुख चला आएगा। तो दुख चला आएगा, आपकी ऐसी व्यवस्था क्यों की गई। परमात्मा तो सर्वसमर्थ था, उसको ऐसा जगत बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जीव को इस कदर कष्ट में डालने की क्या आवश्यकता पड़ी। बहुत गंभीर उसका रहस्य है, और रहस्य केवल इतना ही है कि हम लोग दुख का भोग करते हैं, उसका प्रभाव नहीं पैदा होने देते। परमात्मा ने बड़ी दया करके दुख को पैदा किया है, और दुख को पैदा नहीं किया बल्कि दुख के रूप में स्वयं मिलते हैं, और इसलिए मिलते हैं कि जहाँ आप अटक गए हैं वहाँ से निकल आवें, जहाँ आप फंस गए हैं जिस काम में वासना में आप फंस गए हैं वहाँ से निकल आवें। इसके लिए दुखहारी स्वयं दुख बन करके आते हैं, और दुख जितना हमको विरक्त बनाता है दुनिया की कोई शक्ति उतना विरक्त नहीं बनाती है। इसलिए दुख का भोग नहीं करना चाहिए, सुख पाने की इच्छा दुख का भोग है। सुख जो पाने की इच्छा रख करके कार्य कर रहा है वो दुख का भोग कर रहा है, दुख उसका पीछा जरूर करेगा जरूर करेगा, उससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, आपको अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, उससे वंचित आप नहीं रह सकते हैं। केवल ज्ञानावस्था में उत्तीर्ण कर सकता है, छूट सकता है, बाकी और अवस्था में छूटेगी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई गई मनुष्य के द्वारा कि हम लोग भगवान का चरित्र सुने, उनका अनुसंधान करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, परमात्मा का क्या इशारा है, क्या संकेत है उसको समझें। इसके लिए सत्संग बहुत पुराना अभ्यास है, ऋषियों महर्षियों ने भी सत्संग के महत्व को स्वीकार किया है। एक दूसरे के साथ उठना बैठना सीखना ये मनुष्य के जीवन में जारी रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य ने पढ़ पढ़ करके कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बना ली हैं जो दुखद हो गया है। लॉरेंस नाम के एक विद्वान ने लिखा है कि 100 बरस के लिए अगर विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाएं तो मनुष्यता का सुधार हो जाएगा। आज की शिक्षा केवल मनुष्य को चालाक बनाती है, सदाचारी नहीं बना पा रही है। आज की शिक्षा मनुष्य को कायापन दे रहा है लेकिन उसको अच्छा नहीं बना पा रहा है। तो उसने वो महान विद्वान वो भी है, उसने कहा कि 100 बरस के लिए अगर पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए तो हो सकता है कि हम लोग अपनी पुरानी अच्छाई को प्राप्त कर लें या उस ओर बढ़ सकें। खैर दुनिया है, यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों अरबों में लोग रहते हैं, सब अपना अपना चिंतन करते हैं, सब अपनी अपनी बात समझते हैं, सब भगवान को पाना चाहते हैं। एक बार यहीं इसी धाम में मुझसे पूछा गया था, 2 साल पहले की बात है, कि आस्तिकता और नास्तिकता में क्या फ़र्क है। मैंने कहा आज तक दुनिया में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो भगवान को न मानता हो, लेकिन मेरे भगवान को नहीं मानता जैसे मैं उसके भगवान को नहीं मानता। आप समझ लीजिए कि क्या आस्तिकता है क्या नास्तिकता है। भगवान को सब मानते हैं लेकिन आपके भगवान को हम नहीं मानते हैं, और आप मेरे भगवान को नहीं मानते हैं। तो भगवान को न मानना नास्तिकता हो गई, और भगवान को मानना आस्तिकता हो गई। आस्तिकता नास्तिकता दोनों एक ही व्यक्ति में है। हम अपने भगवान के तो भक्त हैं लेकिन दूसरे भगवान के विरोधी भी हैं। दूसरा अपने भगवान का भक्त है लेकिन हमारे भगवान का विरोधी है। नाम को लेकर संघर्ष चल रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को मिटाने के लिए सत्संग आदि का प्रयोग प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने मुनियों ने समझदारों ने किया। वृंदावन में आप आती नहीं, 40 साल से मैं वृंदावन में रह रहा था,
दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। मेरे विचारों से वृंदावन के लोग तो परिचित थे, लेकिन आपसे परिचय नहीं था। संत रामदेव जी के द्वारा परिचय हुआ, आपके भीतर भी भक्ति भाव की भावना थी, उससे ज़्यादा ललक समाज की बुराइयों को दूर करने की थी, उससे भी ज़्यादा ललक भगवत धाम में पहुँचने की, वृंदावन में रहने की और आस आदि के मर्म को समझने की थी। उसी कड़ी में संत रामदेव जी बाबा के यहाँ मेरी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया कि आइए द्विवेदी जी घर, उनके साथ मैं भी गया और फिर ऐसा गया, इन्होंने वैसा अपनाया कि आता जाता ही रहा, आना जाना जारी हो गया। जारी हो गया तो कुछ उनकी बातें मुझे मिलने लगीं, कुछ हमारी बातें उनको मिलने लगीं। हमने भी उन्हें प्रेरित किया और तरह तरह से नए चिंतन को भी उन्होंने स्वीकार किया, मात्र पुराने चिंतन तक ही सीमित न रह करके नए चिंतन को स्वीकार किया। और वृंदावन की महिमा से आपका रास इत्यादि में, रास के जो उपासक हैं उनसे भी संपर्क हुआ और तरह तरह से उनके ज्ञान में, भाव में, सत्कर्म में वृद्धि हुई, उसका ही सबूत आपके सामने है। आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके भीतर भी भक्ति की भावना है, उनके भीतर भी है, हमारे भीतर भी है, लेकिन सारे रस कब एक होते हैं? अलग अलग रस तो सब जगह है, अलग अलग रस की महिमा सब जगह, अलग अलग बोध है। हर आदमी अपनी समझ में बंदी है, वो जितना समझता है उसके आगे दूसरे की बात को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं होता है जब तक उसकी नासमझी समझ में न बदल जाए, या उसकी समझ नासमझी में न बदल जाए। समझ ही ना समझ पैदा करती है, जैसे प्रमाद है, आलस्य है। प्रमाद का भोग करना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रमाद का जो भोग करता है, प्रमाद की व्यथा उसको सक्रिय बना देती है। तो प्रमाद भी एक जगह पर चल करके साधन बन जाता है, प्रमाद भी सक्रिय बनाता है। इसलिए जीवन में अगर प्रमाद आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके सदुपयोग की आवश्यकता है। प्रमाद की व्यथा जब पैदा होगी, प्रमाद से, आलस्य से जो कष्ट पैदा होगा, वह आपको सक्रिय जरूर बना देगा। तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि बड़ी घनघोर तपस्या करते थे, विद्या को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े योग साधन किए। जब उन्हें कुछ मिल गया तो वे लौट करके संसार में चले आए और संसार को बांटने लगे। ये कैसा रहस्य है? ज्ञान पाने के लिए संसार को छोड़ के भागना पड़ा और पा जाने के बाद संसार में लौटना पड़ा। तो कैसी उत्तम व्यवस्था है कि हम लोगों का संबंध हमेशा बना रहेगा, टूटेगा कैसे नाता इन दोनों जहाँ से, ये दो जहाँ हैं, यहाँ और वहाँ, इनसे नाता कैसे टूटेगा? टूटेगा कैसे नाता इन दोनों जहाँ से? जीवन मौत तो हमको ढोते ही रहेंगे, कभी आ गए वहाँ से, कभी चल दिए यहाँ से, तो कभी वहाँ से आते हैं, कभी यहाँ से चल देते हैं, नाता हमारा बना हुआ है। हम लोग रोज़ भगवान से मिलते हैं, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। जब हम लोग सो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, वहाँ अपना भी पता नहीं होता है कि मैं सो रहा हूँ, वो तो जागने पर पता चलता है कि मैं सो रहा था, सो रहा हूँ का पता चलता ही नहीं है, सो रहा हूँ का दृष्टा कोई नहीं है। तो भगवान से शास्त्र कहता है कि जब हम लोग सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तो भगवान से मिले रहते हैं, वही हमको जगाने के बाद बताते हैं कि नहीं, तुम वही हो जो पहले आए थे मेरे पास, और फिर वो ज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का आपस में परस्पर मेल जोल, एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे, इस दिशा में भाई जी ने अपना बहुत बड़ा प्रयास, अपना अध्ययन, हम लोगों को पैसा खर्च कर करके सेमिनार वृंदावन में कराती रहती हैं, गोष्ठियाँ कराती रहती हैं, विचार विमर्श होता रहता है, निमंत्रण भी साथ साथ हम लोग खाते पीते रहते हैं, पैसों से भी गरीबों की मदद करती रहती हैं, जो इच्छुक हैं उनकी मदद करती रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सत्संग साधन आपको प्रिय है, रसरास आज प्रिय है, राधा आज के जो कर्म हैं वो सब बड़े महत्वपूर्ण हैं आपकी दृष्टि में, और आप उस सबका पालन करती हैं। तो अब इस मौके पर बहुत ज़्यादा न कह करके इतना ही कहना उपयुक्त समझता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमन। प्रवाह परिवर्तन, अब तक एक धारा बह रही थी, अब धारा में परिवर्तन हो रहा है। पहले मैंने कहा था आपके द्वारा 99% श्रीमद्भागवत, 1% महिला। महिला के बारे में कहती हैं कि भारतीय समाज में, भारत के लोग महिलाओं को कहते हैं जत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं। लेकिन क्या उनके साथ सलूक होता है सारा समाज जानता है।
विस्तृत नहीं जाऊंगा। इनका कहना मात्र इतना है कि भारतीय नारी को अगर भारत का पुरुष सम्मान और प्रतिष्ठा के दो शब्द अगर दे दे तो भारतीय नारी कृतार्थ हो जाएगी। मात्र दो शब्दों के लिए लालायित इनका ये शब्द है, बड़ा गूढ़, बहुत मार्मिक है। मैं इस पर जाऊंगा, बहुत समय हो जाएगा, आप सुनने आए हैं जो सुनाएंगे हम आपको। आज से मैं कह रहा हूं आपको, आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए कि अब तक ये बाई जी रही हैं, बाई राजू बाई राजू बाई राजू बाई धूत, क्षमा करेंगे आप। हम सभी आए हैं श्रीमद् भागवत का रस पान करने, गायन होगा, रस बरसेगा, उसका पान करने हम आए। किसी को कोई गाता है वही गाता है जिसको किसी के प्रति पूर्ण ज्ञान हो। श्रीमद् भागवत वही गाएगा जिसके बारे में, उसके बारे में जिसको ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा, वही गा सकेगा। एक प्रश्न उठता है कि एक कुलीन परिवार में दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाली एक महिला श्रीमद् भागवत की गायिका। पेपर में जब आया परिकर के द्वारा, इनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा मंच से कि इसका उत्तर आपके श्री मुख से देना है, लेकिन मैं उसके बारे में व्याख्या के रूप में कहूंगा कि जिसको ज्ञान होगा वही गाएगा। कृष्ण के बारे में जिसको ज्ञान सर्वाधिक है वह कौन, मैं बताऊंगा। आप समझते हैं यहां कौन बैठा है, बैठी है कौन? क्या ये श्रीमती रामनिवास जी धूत हैं? क्या ये श्रीमती ये अजय एवं आदित्य बाबू की मां श्री हैं? क्या ये राधिका एवं स्मिता की सासू जी हैं? क्या ये यदुराज एवं प्रियांजलि की दादी मां हैं? नहीं, श्री निकेतन में होंगी ये, प्रेमपुरी में वो नहीं है। प्रेमपुरी में ये वो हैं। एक बार और कह दूं, क्या ये श्री कृष्ण जी सोमानी की लली हैं, कली हैं? नहीं, अरे ये तो बरसाने के बादशाह वृषभान की लली हैं, राधे हैं, राधे हैं, राधे हैं। कृष्ण के बारे में जितना ज्ञान राधे जी को था शायद किसी को नहीं। प्रमाण है, साक्षी है, दुनिया में किसी की शादी होती है उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, सीता राम यक्ष वाई जेड बहुत। क्या राधे जी की शादी हुई? राधे कोई माँ कहता है, क्षमा करें, राधे माँ पेपर में पढ़ता हूँ, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि राधे जी को गाली तो मत दो। माँ वह होती है जिसकी शादी होती है, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता है वो माँ कहलाने की हकदार है। राधे जी का दाम्पत्य जीवन नहीं था, उन्हें माँ कहना मैं यथोचित गाली देना समझता हूँ। इसलिए सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये राधे ही है, राधे राधे राधे, वह राधे जो वृंदावन में आप जाएं तो सुनने को मिलता है, राधे राधे कहो तो बिहारी चले आएंगे, श्री राधे 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 कहो तो बिहारी चले आए। वह राधा जो नख से सिक तक श्री कृष्ण को जानती थी, वो उनका जितना अच्छा गुणगान कर सकती है दुनिया में कोई नहीं। नारी के प्रति यदि दीवानी कह दी जाए तो हमें थप्पड़ मिलेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति में एक नारी हुई है जो डंके की चोट पर कहती है अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ऐसा तो इसी तरह की एक दीवान के लिए हुई राधे के रूप में परमादरणीय श्रीमती, बस अब राधे कह दिया तो नाम आज से नहीं लूंगा, मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं 7 दिन प्रेमपुरी में बाई जी या कुछ नहीं, ये राधे के रूप में आएगी
भगवान श्री कृष्ण का गायन सुनाएगी, हमारी आपकी झोली में जितना भी होगा हम भरकर अपने साथ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आए हम मुख्य धारा में प्रवाहित हों, रसपान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में श्री नमन। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे वृंदावनानंदां राधिकां परमेश्वर गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडली शक्ति रूपे श्री वृषभानुकुमारिके पदबंधों कर जो निशवासर गुरुधरे ब्रज बस नंद किशोर बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिन परसन के हित रत लाला हेतु राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी जय राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी जय राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी प्यारे निकुंज बिहार प्यारे निकुंज बिहारी प्यारे निकुंज बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी जय राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी जय हो राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी बोलो जुगल बिहारी सरकार की जय। निकुंज बिहारी सरकार की जय। बहुत समीचीन दिवस पुरुषोत्तम मास और श्रीमद् भागवत का संवादपूर्ण कथन और श्रवण चिंतन मनन। खैर श्रीमद् भागवत शब्द का तो क्या अर्थ है, वो तो पूर्ण भागवत उससे भरी हुई है। मैं ये श्रीमद् भागवत की संवादपूर्ण कथन की जो आप सबके साथ बांटने के लिए बैठी हूँ उसकी एक अनधिकृत चेष्टा कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि साक्षात सुखदेव जी महाराज ही जब यहाँ पे मुझे प्रेरणा दे करके और ये कथन करवा रहे हैं। मैं एक अल्पमति इस दिव्य भागवत के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो ये संवादपूर्ण जिज्ञासापूर्ण जिसमें कार्ड में लिखा था कि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न यहाँ पर आज लिख करके रख जाएं। श्रीमद् भागवत से संबंधित कुछ जो वक्तव्य हैं, कुछ आख्यान हैं, उस आख्यान के ऊपर कुछ जो सुना हुआ और जो श्रीमद् भागवत से संबंधित जो चीज़ है वो आपके सामने रखने की चेष्टा करूँगी, और वो भी ठाकुर जी रखेंगे।
जगत में प्रेम व्यवहार और जो ज्ञान जो प्रेम व्यवहार में हमें कैसे अपनी संस्कृति को लेना है और हमें संस्कृति का अपना व्यवहार करना, ये सारे के सारे हमारे जीवन से संबंधित ही सारी की सारी चीज़ इस भागवत में है।